कल पंजाब में देश के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा की चूक को लेकर पंजाब सरकार से आक्रोशित युवाओं ने पूरे शहर में निकाला मशाल जुलूस। देश के युवाओं में पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ देखा जा रहा है भारी आक्रोश। आक्रोशित युवाओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद और सोनिया गांधी मुर्दाबाद के लगाए नारे। नवजोत सिंह सिद्धू को बताया बहुत बड़ा नौटंकीबाज। एटा में युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलामती और दीर्घायु के लिए किया महामृत्युंजय का पाठ। वहीं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगाए गए नारे। युवाओं ने ईश्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना करते जिंदाबाद के नारे जमकर की नारेबाजी। लोके जी अभी मशाल जुलूस निकाला जा रहा है एटा में, भारी संख्या में युवाओं ने निकाला है, क्या वजह है इसकी? वजह पंजाब में पुलिस की चूक, जो हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में हुई, उसके खिलाफ हम पंजाब पुलिस और कांग्रेस सरकार, पंजाब कांग्रेस सरकार के विरुद्ध निकाल रहे हैं जी। मतलब और लोगों ने बताया कि महामृत्युंजय का जप भी किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? जी हाँ, अभी हमने महामृत्युंजय का जाप किया हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के लिए। उसके बाद हम मशाल को लेकर पूरे जनपद में निकल रहे हैं, हर एक विधानसभा के हर एक ब्लॉक पर, और हमारा ये विरोध पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के विरुद्ध हमेशा रहेगा, जब तक रहेगा जब तक वो अपने लेटर पैड पर माफी नहीं मांगते हमारे प्रधान सेवक से, ये मानते नहीं है कि उन्होंने चूक की है, उनकी साजिशन ये हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। तूने एक जो है अभी बयान दिया है कि भाजपा नौटंकी कर रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सिद्धू जी खुद नौटंकी के शो कपिल शर्मा शो में से निकल के आए हैं, उनको उससे भी निकाल दिया गया। इतने महान नौटंकीबाज हैं वो, कोई पार्टियां चेंज करते रहते हैं, तो सिद्धू जी की बात का कोई हम मायने नहीं रखते अपनी पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा। अभी आप मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, क्या वजह है? ये वजह है प्रधानमंत्री के साथ जो कल पंजाब में हुआ है, उनकी सिक्योरिटी में जो चूक हुई है जी। उनकी जानलेवा हमले की जो साजिश थी उसके विरोध में हम मशाल जुलूस निकाल के सोनिया गांधी का विरोध व्यक्त कर रहे हैं। क्या मतलब जानबूझ कर किया गया था? ये जानबूझ के साजिश थी प्रधानमंत्री के साथ में, ये जैसे इंदिरा गांधी के साथ घटना घटी उसी प्रकार से दोबारा दोहराना चाहते थे देश में। सिद्धू जी जो है एक बयान दिया है, सिद्धू जी ने कहा नौटंकी कर रही भाजपा, क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा नौटंकी नहीं करती है। नहीं, उन्होंने बयान दिया है सिद्धू ने, वो सिद्धू खुद में जोकर है, वो एक नौटंकीबाज है, उनको दुनिया नौटंकी लगती है। नौटंकीबाज कोई है नहीं।